आप दे सकते हैं परिवार के खिलाफ जाकर की शादी, जैसे कि आप दे सकते हैं लड़की के घर वालों ने लड़के के गले में कुत्ते का पट्टा बांधकर की पिटाई, फिर बोले भौंके भौंके, जैसे कि आप दे सकते हैं दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर निकल के आई है उत्तर प्रदेश यूपी के गाजियाबाद में एक व्यक्ति के कथित रूप से पीटा गया, कुत्ते के पट्टे से घसीटा गया और उसकी पत्नी के परिवार द्वारा भौंकने के लिए कहा गया, जैसे कि आप देख सकते हैं उनकी शादी के खिलाफ थे लोग, तो इसलिए कुछ इस तरह की तस्वीरें वायरल हो चुकी है दोस्तों, देख सकते हैं आप बहुत बड़ी खबर निकल के आई है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल पर लगे रहिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। चलिए आते हैं नेक्स्ट खबर, जैसे कि आप देख सकते हैं जन्म के बाद डॉक्टर कर रहे थे रुलाने की कोशिश, जैसे ही मरी तो गुस्से में देखने लगी बच्ची, फोटो हुई वायरल। जैसे कि आप देख सकते हैं ईओडी जनरल में कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया, वहां के एक अस्पताल 13 फरवरी को एक बच्ची ने जन्म लिया और वह सुपरस्टार बन गई, क्योंकि जन्म लेने के बाद बच्ची गुस्से में डॉक्टर को देखने लगी, जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की फोटो वायरल हुई है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट खबर लेकर, नेक्स्ट खबर बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आई हुई है, जियो फोन यूजर्स के लिए लॉन्च हुआ दो प्लान, शुरुआती कीमत 49 रुपये। जैसे कि आप देख सकते हैं जियो फोन ने लॉन्च किया हुआ है बहुत ही बड़ी सस्ती प्लान, तो आप देख सकते हैं रिलायंस जियो लगातार अपने प्लान अपडेट कर रहा है, पिछले साल दिसंबर में टैरिफ प्लान महंगे करने के बाद कंपनी 2020 रुपये का हैप्पी न्यू ईयर ऑफर पेश किया था, जैसे कि आप देख सकते हैं जिसे अब जियो ने बंद कर दिया है और इसकी जगह पर 2121 रुपये का प्री पेड लॉन्च किया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ी प्लान है, तो वही अब जियो ने जियो फोन के ग्राहकों को लिए दो प्लान पेश किए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं जिनमें 49 रुपये और 70 रुपये का प्लान शामिल है। चलिए दोस्तों आते हैं बहुत बड़ी खबर, रेलवे यात्रियों को बड़ा तोहफा, अब इस महत्वपूर्ण रूट पर भी चलने जा रही है तेजस एक्सप्रेस, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ी खबर निकल के आई हुई है। केंद्र में बीजेपी की सरकार आने के बाद रेलवे की दशा हर दिन सुधरती जा रही है, रेलवे केंद्र रेल मंत्री जैसे कि मंत्री पीयूष गोयल की अगुवाई में भारतीय रेलवे ने कामयाबी को बहुत ही बड़े झंडे गाड़ दिए, यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे हर दिन कोई ना कोई बड़े फैसला लेते नजर आ रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं महाकाल एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाती हुई भारतीय रेलवे की ट्रेन वंदे भारत ने भी इस साल कई बड़े रिकॉर्ड तोड़े हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं रेलवे को बंपर कमाई करवाई है, जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर निकल के आई हुई है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं तेजस एक्सप्रेस निकल के आई हुई है नई ट्रेन। दरअसल उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र रावत ने रेल मंत्री पीयूष गोयल से भी अनुरोध किया था, जिसके बाद नई दिल्ली से देहरादून वाया आप देख सकते हैं हरिद्वार के लिए तेजस ट्रेन अपना निकल के आई हुई है। दोस्तों आप इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप जरूर कमेंट में बताएं, बहुत ही बड़ी खबर निकल के आई है दोस्तों, अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों को। बहुत ही बड़ी खबर निकल के आई हुई है, आधार कार्ड है तो सिर्फ 10 मिनट में बनेगा पैन कार्ड, पैसा भी नहीं लगेगा ऐसे करें अप्लाई, जैसे कि देख सकते हैं आयकर विभाग की वजह बहुत ही बड़ी खबर निकल के आई हुई है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सरकार ने दे दी है बड़ी सुविधा, फ्री में 10 मिनट में पैन कार्ड बनवाएं। पैन कार्ड बनवाने के लिए जैसे कि देख सकते हैं देश भर में आधार की गिनती एक अहम दस्तावेज के रूप में होती है, बैंक से लेकर रिलेटिव सिम कार्ड से रिलेटिव पासपोर्ट बनवाने तक आधार कार्ड का इस्तेमाल होता है। आधार कार्ड सबसे बड़ा फायदा यह है कि कई सारे दस्तावेज मुक्ति मिल जाती है, जैसे कि सरकार ने पैन कार्ड के बनवाने के लिए बहुत ही बड़ा तोहफा देते हुए कहा कि अब आपके पास आधार कार्ड अगर है तो आप पैन कार्ड बनवा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 10 मिनट में आपका मोबाइल नंबर पर आपको पैन नंबर आ जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं आयकर भवन, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी तक पैन कार्ड बनवाने वाले दो पेज आपको भरने पड़ते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, आपका समस्या का हल निकल चुका है, 10 मिनट में पैन नंबर मिलेगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं तुरंत। उसके बाद आपको देखिए इसकी वेबसाइट, आपको कैसे आपको आवेदन करना है इसका सारा भी अपना दिया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं पहले आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाएं, इसके बाद लिंक आपको मिलेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं स्टेटमेंट पैन और आधार, जैसे कि आप इसको भी लिख के सर्च कर सकते हैं, लेकिन आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाके भी आप इसको लिख के सर्च कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप इस पर आप क्रोम ब्राउजर पर चाहे इस ब्राउजर पर आप इसको लिख के सर्च कर लीजिए, उसके बाद आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन नज़र आएगा, देखिए जैसे कि इसके बाद आपको दो विकल्प नज़र आएंगे, इसके बाद गेट न्यू पेन, उसके बाद चेक स्टेटस डाउनलोड, तो आपको गेट न्यू पेन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आधार नंबर डालें, कैप्चा कोड डालें, कैप्चा कोड डालने के बाद उसको सर्च कर देना है, उसके बाद आपको मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा उसको डाल देना है, डालने के बाद आपको ईमेल आईडी भी डालना है अपना, ईमेल आईडी डालने के बाद कुछ जानकारी फॉर्म आपको भरना है, जैसे कि अपना नाम वगैरह अपना डिटेल अपना सारा भर देना है, भरने के बाद आपको सबमिट कर देना है, उसके बाद 10 मिनट के बाद आपका पेन नंबर आपको मोबाइल नंबर पर आ जाएगा। दोस्तों इसके लिए बहुत ही बड़ी फायदा है, जैसे कि आप पेन नंबर आएगा 10 मिनट के अंदर, आपका पेन नंबर आने के बाद आप इसके चेक स्टेटस डाउनलोड पेन पर आप उस पर अपना सर्च करके अपना पैन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बाद 10 ही मिनट में आपका पैन कार्ड भी डाउनलोड हो जाएगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है आपका, एकदम 10-15 मिनट के अंदर में आपको अपना काम हो जाएगा, कोई भी काम आप कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।